नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर की। पुलिस ने रुकवाया मृत्यु भोज कार्यक्रम, पुलिस ने आयोजक के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण। देश सहित प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है। गाइडलाइन के तहत किसी भी तरह के सामूहिक आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके बाद भी लोग कोरोना महामारी को हल्के में ले रहे हैं। सामूहिक आयोजन करके गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने से नहीं चूक रहे। कोटा में एक ऐसी ही लापरवाही का मामला सामने आया है। शहर की अनंतपुरा थाना पुलिस ने बंदा धर्मपुरा में मृत्यु भोज कार्यक्रम रुकवाया है। आयोजनकर्ता की ओर से तय गाइडलाइन के ज्यादा भीड़ बुलाने की तैयारी थी। पुलिस ने आयोजक हलवाई व टेंट लगाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया, साथ ही आयोजन स्थल से सामान की जब्त किए हैं। सीआई पुष्पेंद्र ने बताया कि इलाके के रहने वाले भवन ने अपनी माता के निधन पर मृत्यु भोज का आयोजन किया था। घर के पास ही टेंट लगाया था, वहीं खाना बनवाया जा रहा था। वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे थे, जिस पर डीएसपी मुकुल शर्मा व अनंतपुरा थाने का जाप्ता मौके पर पहुंचा। मृत्यु भोज कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे। लगभग 500 लोगों के हिसाब से आयोजन की तैयारियां की जा रही थी। पुलिस ने महामारी व मृत्यु भोज एक्ट के तहत कार्रवाई की। फरीद खान की रिपोर्ट। ये आज हमें सूचना प्राप्त हुई कि बंदा गांव के अंदर भंवर जी गुजर रहे हैं, उनके परिवार उनकी माताजी का देवासन हुआ हुआ है और वो उसके मृत्यु भोज का आयोजन करेंगे। इसी पे पूर्व में ही हमें इस आसूचना के ऊपर मैं स्वयं अपने पुलिस जाब्ते के साथ हमारे डिप साहब हम सारे मौके पे पहुंचे। यहाँ आके देखा तो वास्तव में ही आज शाम को इनके द्वारा मृत्यु भोजन की तैयारी की जा रही थी, तो समय रहते ही उस आयोजन से पूर्व ही तैयारी करते समय हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कितने लोगों का यहाँ पे बनाया जा रहा है? अभी मौके पे जिस तरह का कच्चा सामान इन लोगों ने इकट्ठा किया है, उस अंदाज से कह सकते हैं कि लगभग 500 आदमियों के खाने की तैयारी थी। टेंट लगाने की तैयारी थी, पूरा कर नहीं पाए थे, उससे पहले पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई कर दी। इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई रही है? इसमें महामारी अधिनियम के तहत और मृत्यु भोज अधिनियम के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो मौके पे हमें मिले हैं हलवाई और आयोजनकर्ता, उनको मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया है। से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वीएमआर भारत।